सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी 10 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे थे, तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो हमारी डेली हैबिट में हम जो यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में आपको कॉमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन सा है। पहला वर्ड है आज का लिस्प। कुछ लोग उसे लिप्स भी कह लेते हैं, ये लिप्स नहीं है, ये क्या है, लिस्प। और लिस्प का मतलब क्या होता है, आपका तुतलाना। जब कोई इंसान क्या करता है, तुतलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिस्प। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, लिस्प करते हैं, ठीक है। और लिस्प का हिंदी में मतलब क्या, तुतलाना। अब अ स्पीच फॉल्ट इन विच एस इज प्रोनाउंस, जहां पे हम एस को प्रोनाउंस करते हैं, या टी एच को, था को ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। I speak with a lisp, मतलब मैं क्या करता हूं, कैसे बात करता हूं, तुतला के बात करता हूं, ठीक है। तो जहां पे हम क्या करते हैं, सा का साउंड ज्यादा लेके आते हैं, या जहां पे हम था का साउंड ज्यादा लेके आते हैं, तो उसी के लिए क्या बोलते हैं, हम लिस्प कहा जाता है। और लिस्प का हिंदी में मतलब क्या था, तुतला। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा स्टैमर। स्टैमर का मतलब क्या होता है, हकलाना। बहुत सारे लोग देखेंगे तुमने बहुत टाइम हकलाते हुए, तो जो हकलाता है, हकलाने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्टैमर, ठीक है। हकलाने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्टैमर। और वही इसकी मीनिंग क्या होगी, टू स्पीक विद डिफिकल्ट रिपीटिंग साउंड्स एंड पॉजिंग बिफोर सेइंग थिंग्स करेक्टली। यहां पे क्या करता है, इंसान बार बार उस चीज को रिपीट करता है, ठीक है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टैमर कहते हैं। आई हैव अ स्टैमर, मतलब मेरे को क्या है, हकलाने की आदत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारा विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना। जब आप कान में बोलते हो किसी को, उसी को क्या बोलते हैं, विस्पर, ठीक है। स्पीक वेरी क्वाइटली इनटू समवनस ईयर, जब हम किसी के कान में बोलते हैं, सो दैट अदर पीपल कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। जब आप किसी के कान में बोलते हैं, दूसरों को सुनाई ना दे, ताकि आप क्यों बोलते किसी कान में, ताकि दूसरे को सुनाई ना दे, इसी को क्या बोलेंगे हम, विस्पर कहेंगे। लेट्स गो, आई सेड इन अ विस्पर, मैंने बोला चलो चले, किस में बोला मैंने, फुसफुसा के बोला, फुसफुसा के क्या बोला मैंने, कि चलो चलते, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों की आदत क्या होती है, विंक करने की होती है। विंक मतलब होता है आंख मारना, ठीक है। टू क्लोज एंड ओपन वन आई वेरी क्विकली, जब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एक आंख को बंद या खुला करते, जल्दी जल्दी ये एक बार करते हैं। जैसे आपने एक बार कहीं पे किसी को, मतलब आपने आंख बंद कर दी, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम विंक कहते हैं। Visually a signal to somebody. देखो ये क्या होता है, as a signal हम क्या करते हैं, आंख को बंद करते, ठीक है। If he winks at you, you may wink back as well. अगर वो तुम्हारी तरफ आंख मारता है, तो आप भी उसे वापस आंख मार सकते हो, ठीक है। तो इसी के लिए क्या बोलते हैं, हम आंख मारने के लिए बोलेंगे हम wink. अब कुछ लोगों की आदत होती कौन ही मारना, चल ना चल, अरे चल यार, ऐसा करते ना हम लोग बहुत बार, कौन ही मारते, कौन ही मारने के लिए क्या बोलते हैं, To touch or push somebody something with your elbow. जब हम किसी को क्या करते हैं, touch या push करते हैं elbow से, that is called nudge. ठीक है? She tried to nudge him into changing his mind. उसने क्या किया? उसे क्या क्या कोशिश की? क्या कोशिश की भाई? कोनी मारने की कोशिश करी, ताकि वो अपने जो उसका प्रोग्राम बना रखा है या जो उसके माइंड में चल रहा है, उसको चेंज करने के लिए क्या किया? नज किया, कोनी मारी, ठीक है। तो कोनी मारने के लिए क्या बोलते हैं, नज। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, हमारा नेक्स्ट वर्ड था फिजिट। अब फिजिट का मतलब कोहनी से धक्का मारना नहीं होता, फिजिट का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी को शेक करते हो, या लेग को शेक करते हो, मतलब हिलाते हो अपनी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड फिजिट। नाउ टू कीप मूविंग योर बॉडी, हैंड्स और फीट, बिकॉज यू आर नर्वस एंड बोर्ड एंड एक्साइटेड एक्स्ट्रा। जब आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आप कहीं पे क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो और एक्साइटेड हो जाते हो, तो आप अपनी बॉडी को जो शेक करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम फिजिट कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे हाथ या पांव ज्यादा हम क्या करते हैं, हिलाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फिजिट। द किड्स हैड स्टार्टेड टू फिजिट, मतलब जो बच्चे थे उन्होंने क्या कर दिया, हाथ या पांव को हिलाना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड फिजिट। जैसे बैठे बैठे कुछ बच्चे देखेंगे आपने, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, या कुछ पांव हिलाते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिट। नाउ नेक्स्ट वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब क्या आता है, आंख मारना, सॉरी पलके झपकाना। जब हम पलके झपकाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लिंक। टू शट योर आईज एंड ओपन, आंखें बंद करना और खोलना, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लिंक कहते हैं। तो
हम क्या करते हैं, इन आंखों को जल्दी जल्दी खोलते हैं और जल्दी जल्दी बंद करते हैं। आई विल बी बैक बिफोर यू ब्लिंक, मैंने बोला मैं जल्दी क्या कर दूंगा, जब तक आप आंखें क्या करते हो बंद करते हो तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो आई विल बी बैक बिफोर यू यू कैन ब्लिंक, ठीक है। तो मैं जल्दी वापस आऊंगा, कब तक पहुंचूंगा मैं, मैंने बोला कि आप भाई पलके, जैसी आप पलके झपका सकते हो, जितनी जल्दी आप पलके झपका सकते हो उतनी जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से हम ब्लिंक का यूज करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ममर। ममर का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे उनकी आदत होती है बड़बड़ाने की, जैसे टू से समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस। जब हम क्या करते हैं किसी चीज को, मतलब कहीं पे मैं हूं और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ममर। शी रिप्लाइड इन अ लो ममर, मतलब उसने क्या किया, बहुत धीरे बड़बड़ाते हुए कुछ चीज बोली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है क्रैक नकल्स। ये भी क्या हमारी आदत होती है, जब हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। मीनिंग ऑफ क्रैक योर नकल्स इन इंग्लिश, टू पुल और पुश द जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स होते हैं उन्हें पुल या पुश करना, या तो उन्हें खींचना या तो उन्हें क्या करना, पुल करना, ठीक है, पुश या पुल करना। ऑफ योर फिंगर्स टू मेक अ नॉइस, किसको करते हैं हम, फिंगर्स को करते हैं किसके लिए, ताकि उसमें नॉइस आए। शी स्माइल्ड एंड क्रैक्ड हर नकल्स, वो क्या हुई, उसने मुस्कुराया और अपने नकल्स को क्या किया, क्रैक किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा नॉड, ठीक है। नॉड का मतलब क्या होता है, सिर को इशारे से, जब हम सिर को यूं यूं करते हैं इसी को हम नॉड कहते हैं। टू मूव योर हेड अप एंड डाउन एज यू एज अ वे ऑफ सेइंग यस और नो साइन, तो जब हम क्या करते हैं अपने सर को ऊपर या नीचे करते हैं इसी को हम नॉड कहते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए और किसी इंसान के लिए जब हम करते हैं। He gave me an approving nod. उसने क्या किया, कैसा इशारा किया सर से, एक approving, भाई हाँ के इशारे में nod किया, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और आज की इस क्लास में लेके आया था आप सबके लिए कुछ 10 habits जो हम डेली यूज करते हैं या डेली इंग्लिश में भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको आप कॉमेंट बॉक्स में बताना है आप में आपका इस सब में से फेवरेट वर्ड कौन सा था, और होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।